New Hope TV, your encounter with God. One day I was in a crusade in a different state of India. और एक दिन पासवान जी भारत देश के किसी दूसरे राज्य में महासभा के लिए गए थे. Continuously there were meetings, morning meeting, evening meeting, morning meeting. Sometimes organizers don't understand that we need time to pray. और वहाँ पर निरंतर सभा चलती रही, सुबह की सभा, शाम की सभा, और कभी-कभी जो सभा का आयोजन करते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हमें भी प्रार्थना करने के लिए समय चाहिए होता है. And in the middle, somebody wants to get prayed over. They want a prophetic word, morning, afternoon, evening. It just goes on. So you feel really really tired, you know. उसके बीच में किसी को देखे भविष्यवाणी का वचन भी चाहिए होता है. फिर हम देखते हैं सुबह, दोपहर और शाम पूरी तरह से लगातार ऐसे चलता रहता हूं, पूरी तरह से शरीर जो थक जाता है. I was in one place like this. पासवान जी इस प्रकार से एक जगह पे. And early morning I had a session. और तड़के सुबह पासवान जी का सत्र था. They told me, Pastor, you have to be on stage by 8:30. और उन्होंने बताया कि पासवान जी आपको ठीक 8:30 बजे तक मंच पर आना है. I want to give you time. हम आपको समय देना चाहते हैं. So now who could say no? Okay, don't give me time. You can't say that. कौन ऐसा कहेगा कि ठीक है आप मुझे टाइम मत दो, समय मत दो. Early morning I dragged myself out of bed, you know. बहुत ही सुबह तड़के सुबह जो है अपने बिस्तर पर से उठ गए पासवान जी. And my body was saying, go to sleep now. और इनका शरीर इसे कह रहा था कि वापस हो जाओ. I was fasting for those days. अचानक इनकी पूरे शरीर में एक ताकत आ गई. I don't know how it happened. पता नहीं कैसे ये हुआ. The anointing just filled me. और बस अभिषेक ने भर दिया. Started praying in tongues, started praying in the spirit, you know, started praying with scripture, and things were just happening. आत्मा में प्रार्थना करने लगे और तुरंत वचनों में ये प्रार्थना करने लगे और फिर वचन इनको याद आते चले गए और चीजें होने लग गई. There was no message. I went out then. It was just pouring out. और कोई संदेश देके ऐसा तैयार नहीं था, लेकिन जब वहां मंच पर गए तो वचन बस यूं ही बहता चला गया. Understood that this scripture, I was experiencing the power of the scripture. और फिर पासवान जी ने इस बात को समझ लिए कि पासवान जी उस वक्त इस वचन का अनुभव कर रहे थे. See, the Holy Spirit will help you. आप देखते पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा. There are times when you cannot pray. ऐसा समय आता है जब आप प्रार्थना कर ही नहीं सकते. Just lift your hands and say, Holy Spirit, you my divine helper, help me. बस आपको अपने हाथ उठाकर कहना है, पवित्र आत्मा आप ही मेरे दैवीय सहायक हैं, मेरी मदद करें. You know, the presence of God will just saturate you. देखिए परमेश्वर की उपस्थिति जो है आपको समा लेगी. He understands your weaknesses. वो आपकी कमजोरियों को समझता है. It's not that he is not knowing that you're going through weaknesses. That is the reason the Holy Spirit was given to us. और देखिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता कि आप किस प्रकार के परेशानी और हताशा में से जा रहे हैं. यही तो खूबसूरती है और इसी वजह से पवित्र आत्मा आपको सहायक के रूप में दिया गया है. You will enter into what God has called you. जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है आप उस पर कदम रखेंगे. Hallelujah. Hallelujah. You know, the Bible says in Isaiah 28:11-12. देखिए बाइबल ऐसा कहती है यशायाह के 28वें अध्याय के 11वें 12वें वचन में. Stammering lips and another tongue he will speak to people and say, this is the refreshing that was promised. Hallelujah. वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा. You see, when the Holy Spirit comes on you. अब देखते जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है. There'll be a divine refreshing. Hallelujah. एक दैवीय ताजगी आप में से बहने लगेगी. That can only happen because he helps you. और ये सिर्फ तभी हो सकता है क्योंकि वो आपकी मदद करता है. Do you want to sing for the Lord? आप प्रभु के लिए गाना चाहते हैं? Say, Holy Spirit, help me. आपको कहना है पवित्र आत्मा मेरी मदद कर. Do you want to do something big? आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं? Say, Holy Spirit, help me. आपको कहना है पवित्र आत्मा मेरी मदद कर. You'll be surprised. आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे. Somebody lift your hand and say, Holy Spirit. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे पवित्र आत्मा. Lift your hands and say, Holy Spirit. अपने हाथ ऊपर उठाएं बोले पवित्र आत्मा. You may be a very ordinary person. शायद आप बहुत ही साधारण से व्यक्ति हो. Like us. हमारे जैसे. But God will help us. लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करेगा. God is a specialist at taking ordinary things and making it extraordinary. परमेश्वर माहिर है एक साधारण सी वस्तु को लेकर उसे असाधारण में बनाने के लिए. That's how he gets all the glory. और इसी तरीके से सारी महिमा उसे मिलती है. The Bible says so that no flesh can glory in his presence. Only it is God who will receive the glory. और इसी वजह से बाइबल कहती है कि कोई भी शरीर या कोई व्यक्ति जो है उसकी उपस्थिति में महिमा को न लेने पाए, सारी महिमा से परमेश्वर को. I want to tell the young students. जो नौजवान विद्यार्थीगण हैं आपसे कहना चाहते हैं. Whenever you sit to study. देखिए जब कभी आप पढ़ाई लिखाई करने बैठते हैं. Holy Spirit, be my teacher, come and help me. आपको कहना चाहिए पवित्र आत्मा मेरे शिक्षक बने, आकर मेरी मदद करें. You are reading the Bible. जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं. Say, Lord, this is difficult to understand on my own. Please come and teach me. I tell you, you will be a doctor of divinity if he starts teaching you. अगर आप उससे कहेंगे कि प्रभु ये समझने में मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा है, आकर मेरी मदद करो, तो आपको बताना चाहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आकर आपको वो सिखाने लगेगा, मदद करेगा, तो देखिए उसी विषय में और देखिए आप बहुत बड़े विशेषज्ञ बन जाएंगे, आपके डिग्री जैसा हो जाएगा. Don't get proud of it, okay? और इसके बारे में घमंड न करें, ठीक है? But it will happen. लेकिन ऐसा होगा. Receive it in Jesus' name. चलिए ग्रहण करें यीशु के नाम. Somebody say, I receive.
receive in Jesus' name. The third one. तीसरा. You know, God uses men and women of God as divine helpers. अब देखते हैं परमेश्वर अपने पुरुषों, महिलाओं या सेविकाओं इस्तेमाल करता है आपके दैवीय सहायकों में. Many years ago, कई साल I remember this boy. He was forcibly brought to a service of mine. एक लड़के के बारे में पास बंजी को याद है, देखिए उन्हें जबरन सभा में लाया गया था. He was telling his mother, I don't want to get prayed. और वो झड़कते हुए कह रहा था, मुझे नहीं प्रार्थना करवानी है. And his mother was pleading after her, please come, get prayed over by pastor. उनकी माता जी उनसे बहुत ही याचना करने लगी, चलो आओ मेहरबानी करके आ जाओ पास बंजी से प्रार्थना करवा लेना. Somehow he stood, you know, making a big sad face. और किसी तरीके से बड़ा उदास चेहरा लेके वो आके खड़ा हुआ. And suddenly the Holy Spirit opened my spiritual eyes. I could see things in the spirit, you know. और अचानक प्रभु ने इनके आत्मिक आंखों को खोला और फिर ये देखने पाए ऐसी चीजों को. And I saw how his life was messed up. और इन्होंने देखा कि कैसे उसकी जिंदगी जो पूरी तरह से गड़बड़ी में हो गई है. Two, three things I shared about his life. और दो तीन चीजें पासवान जी उनके जीवन के बारे में उससे बताए. He was shocked. और वो चौंक गया. And he said, "Did my mother tell you this?" और वो पूछ रहा, क्या मेरी माता जी ने आपको बताया सब? And his mother said, "I don't even know these things." और उनकी माँ ने कहा, तो मुझे तो खुद ही ये सारी बातों के बारे में पता नहीं. I had got his attention. का ध्यान पा लिए. Now I said, I want to pray for you. फिर इन्होंने कहा, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. He agreed that his mother never knew these things about him. और वे सहमत हो गए थे कि उनकी माताजी को इस चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था. And then I told him something. फिर पासवान जी ने उसे कुछ तो खास बताया. Some simple prayer, nothing. कुछ सरल सी प्रार्थना. And he said, he promised me that he will do it. और उन्होंने वादा किया इनसे कि वो करेंगे. And as he left that day, और जैसे ही उस दिन वो निकले, I got news after 2 months. दो महीनों के बाद खबर मिली. That he had joined on a ship on the United States of America, a cruise liner. As he joined it, he found favor in that place and God blessed him with a fantastic job. और वे ऐसे खबर मिले कि उनको अमेरिका के क्रूज लाइनर पानी वाले जो जहाज होते उस पर उनको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई. He wrote to me. उन्होंने लिखे. That how God had blessed him. कि कैसे परमेश्वर को आशीष दिया. And he said one thing that was very important. और फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात बताए, एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. Pastor, what happened that day? और उन्होंने कहा कि पासवान जी क्या हुआ था उस दिन? Was the turning point in my life. जो मेरी जिंदगी का एकदम निर्णायक मोड़ बन गया. My friends, God uses simple men and women of God as divine helpers in your life. परमेश्वर अपने सरल से जो सेवक हैं, जो सेविकाएं हैं, उनका इस्तेमाल करता है आपके जीवन दैविक सहायक के रूप में. He will connect you with divine helpers. परमेश्वर आपको दैवीय सहायकों के साथ जोड़ेगा. The Bible says, बाइबल कहती है, pastors and leaders and men and women of God, they are to help us with joy. और पासबान और जो अगुवे होते हैं और परमेश्वर के जो दूसरे सेवक जो होते हैं, वे हमारे सहायक होते हैं आनंद में. You have to listen to them. आपको उनकी सुनने की जरूरत है. Sometimes it's not just yes, yes. Sometimes they will tell you things which are not pleasing to your flesh. कभी-कभी देखिए, बस आपको भाने वाले शब्दों में नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी बातें भी कहेंगे जो कि आपको जैसा लग जाएगी. Today, आज, may God bring the right people around you. आज परमेश्वर आपके आसपास सही लोगों को लाए. Say, God, give me the right people around me. कहें कि परमेश्वर मेरे आसपास सही लोगों को भेज. Help me to get connected to the right people. मेरी मदद कर सही लोगों से जुड़ने के लिए. If you're watching us for the first time, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, could it be that God has answered my prayer to bring you to this broadcast? क्या ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पासवान जी की प्रार्थना का उत्तर दिया कि आपको इस ब्रॉडकास्ट पे लाए? So make God connect you. If you're connected with this ministry, you know, thank God for your pastors, thank God for your leaders, thank God for people around you. You know, don't take it lightly, church. This is God's way of appointing helpers for you. They may pray for you, they may do something small for you, but it will help you to reach your destiny in God. शायद हो सकता है कि परमेश्वर इस सेवकाई के साथ आपको जोड़ा है. परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो आपके लिए जरूरी दैवीय सहायकों में होंगे. भले देखिए वो आपके लिए सरल सा कोई छोटी सी चीजें करें, लेकिन वो छोटी चीजें भी इतना मायने रखेंगी कि आपको आपके दैवीय विधान में पहुंचा सके. Let's go to the fourth one right now. चले जाते हैं चौथे पर. Helpers in Christ. मसीह में सहायक. What do you mean helpers in Christ? मसीह में सहायक ये सब क्या? Go to Romans 16 right now. चले निकालें रोमियों की पत्री 16वें अध्याय. And let's read verses 3 and 4. और आइए पढ़ेंगे उसके तीसरे और चौथे वचन में. This is so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. I admire Paul the apostle, amazing man of God. और देखिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर के बड़े जबरदस्त सामर्थ्यशाली व्यक्ति. I call him the Moses of the New Testament. और उनको नए नियम का मूसा कहते हैं पासवान जी. Yeah. It says greet Priscilla and Aquila. और ऐसा लिखा है प्रिस्का और अकीला को नमस्कार कहो. Priscilla was a woman. और प्रिस्का वो एक महिला थी. And Aquila. और फिर हम देखते अकीला. Many people fight. Should women preach? Should women teach? Now this was a husband and wife team.
देखिए बहुत सारे लोग लड़ते भिड़ते हैं कि क्या महिलाओं का प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक पति पत्नी दोनों का एक टीम था। Priscilla, name of the woman first, and Aquila, my fellow workers, imagine the great apostle, imagine that, okay? My fellow workers in Christ Jesus. को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी, इतना बड़ा प्रीत वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे सहकर्मी हैं। And there are people fighting. I don't want to get into that debate. देखिए इस बात पे फिर लड़ाई बिठते रहते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। Suits you, okay? You know, I like what Renan Bonnke said. Renan Bonnke जी जो कहा था बहुत ही पसंद है। Says when you are drowning, जब तुम डूब रहे हो, it does not matter a woman saves you or a man saves you as long as you get saved. इससे फर्क नहीं पड़ता कि औरत तुमको बचाती है या मर्द तुमको बचाता है। मायने ये रखता है कि तुम बच जाओ। My fellow workers in Christ Jesus. मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी। You see, such a great apostle. आप देखते हैं इतना महान प्रेरित। He needed a husband and wife team. He needed these people to help him. और उनको पति और पत्नी के टीम की जरूरत थी। उनको इन लोगों की जरूरत थी कि मदद करें। Why this great apostle needs people? और क्यों इस महान प्रेरित को लोगों की जरूरत है? Who risk their own necks for my life? To whom not only I give thanks, see he gave thanks for them, but also the churches of the Gentiles. उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। Paul thank God for his divine helpers. परमेश्वर का धन्यवाद करते थे प्रेरित पौलुस, परमेश्वर ने जो दैवीय सहायक उनके लिए भेजे थे उसके लिए। The devil will never send helpers to help you. और देखिए शैतान कभी भी आपके लिए मददगारों को नहीं भेजेगा कि आपकी मदद करे। He will take away the people from you. लेकिन वो ऐसे लोगों को आपसे दूर कर देगा। Greet verse 9. नवे वचन को पढ़ें। Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, and Stachys. और आगे लिखा नवे वचन में देखें, उर्बानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तकुस को भी नमस्कार। This is so clear. देखिए बहुत ही साफ है ये। Paul needed helpers. पौलुस को मददगारों की जरूरत पड़ी। Paul mentions his people as helpers, fellow workers in Christ. और हम देखते हैं प्रेरित पौलुस ने इन लोगों के नाम का जिक्र इस तरह से कहा, मेरे सहकर्मी मसीह में मेरे लिए सहायकों के रूप में। Who are these helpers in Christ? मसीह में ये सहायक कौन है? There are people who will pray for you. ये वे लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। There are people who will tell you the truth, not openly expose. You know, they will stand with you no matter what. और देखिए ऐसे लोग होते हैं जो आपको सच्चाई बताएंगे खुलेआम प्रदर्शन करते हुए नहीं, लेकिन वो आपको सच्चाई बताएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। Like a friend they will tell you. और एक दोस्त के समान वे आपको बताएंगे। My friend, you're watching me. मेरे दोस्त आप देख रहे हैं। I want to tell you. आपसे कहना चाहते हैं। Don't isolate yourself. Don't hide yourself. अपने आप को अलग न करें, अपने आप को छिपाएं नहीं। God has put people around you to help you, to pull you out. परमेश्वर ने आपके आसपास ऐसे लोगों को नियुक्त करके रखा है जो आपकी मदद करेंगे, आपको खींच के बाहर लाएंगे। These are people who really care for you. Maybe they don't show you all that wishy-washy, I love you with the love of God. No, not all that. Maybe the little, but these are people whom God has appointed for you. ये वे लोग हैं जिन जो आपकी मदद करेंगे। शायद हो सकता है कि वे आपको ऐसा अलग सा दिखावा ना करें, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ही आपके लिए ठहरा के रखा है। These are real gems to be honored and treasured. और देखिए ये वैसे रत्न हैं जिनको आदर देकर उनको गर्वत करना चाहिए। Everybody watching me, listen to this. और सुनिए सभी लोग जो देख रहे हैं। Learn to honor the people whom God has placed in your life. परमेश्वर ने जिन लोगों को आपके जीवन में रखा है उनका आदर सम्मान करने को सीख रहे हो। No matter how smart you are, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने होशियार हैं। No matter how great you are, इससे भी फर्क नहीं पड़ता आप कितने महान हैं। You are not greater than Apostle Paul. यकीनन आप प्रेरित पौलुस से तो ज्यादा महान नहीं होंगे। He was caught up in the third heaven. He saw things which he says, I cannot even write it down. और देखिए वे तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गए थे, और आगे उन्होंने ऐसा भी बताया कि ऐसी ऐसी चीजों का प्रकाशन उन्होंने पाया जो कि लिख ही नहीं सकते। He wrote half the New Testament. आधा नया नियम तो उन्होंने ही लिखा था। क्या सुन रहे हैं? And he needs helpers. और उनको सहायकों की जरूरत। How much more you and I? तो आपको और मुझे कितना ज़्यादा होगा? Lift your hands and say, Lord, send the right people around me, Lord. अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु मेरे आसपास सही लोगों को भेज। You may be somebody just like that, but God will connect you to people. Say, Lord, release divine helpers for me in Jesus' name. Come on. आप बस सीधे साधारण स्थिति में कहीं पड़े हैं, लेकिन देखिए परमेश्वर आपके लिए सहायकों को भेजेगा जो आपकी मदद करेंगे। अपने हाथ उठाकर कहें, परमेश्वर मेरे दैवीय सहायकों को मुक्त कर। There will be people around you. और आपके आसपास से लोग होंगे। They may look like people. वो भले इंसानों जैसा दिखे। They are people. और वे इंसान हैं। Sent by God. लेकिन वे परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। Moses was building the tabernacle. हम देखते हैं मूसा जो मिलाप वाला तंबू बना रहा था। Guess whom God sent? और जरा सोचे परमेश्वर किसको भेजा? Bezalel. Bezalel को। Hallelujah. Hallelujah. You need people. आपको लोगों की जरूरत है। Pastor said, God release divine helpers for me. अगर आपको पास पाने तो कहें कि परमेश्वर मेरे दैवीय सहायकों को मुक्त कर। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। You may be one of my leaders watching me. शायद हो सकता है जो देख रहे हैं आप हमारे किसी एक अगुओं में से हो। Say, Lord, send divine helpers. कहें कि प्रभु दैवीय सहायक
सहायकों को भेज। You're in the media. Say, Lord, send divine helpers. आप मीडिया में हैं। आप कहें कि प्रभु मेरे दैवीय सहायकों को भेज। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody is receiving this. कोई तो ग्रहण कर रहा है। The fifth one, and this is powerful. Finally, when you look to the hills. और आखिर में जब आप पर्वतों की ओर देखते हैं, that is to the Lord. जो कि है प्रभु की ओर देखो। God can use anything to help you. और परमेश्वर किसी भी चीज का इस्तेमाल करेगा आपकी मदद करने को। He will use the wind. वो तूफान या फिर वो हवा का इस्तेमाल करेगा। He will use the storm. वो तूफानों का इस्तेमाल करेगा। He will use anything to help you. वो किसी भी चीज का इस्तेमाल करेगा आपकी मदद करने को। I'm seriously telling you. गंभीरता से कह रहे हैं। Mighty prophet Elijah. हम देखते हैं परमेश्वर का सामर्थी भविष्यवक्ता एलिय्याह। Who brought fire from the heavens. जिसे स्वर्ग से आग उतार लाया। You know whom God appointed to use? आप जानते परमेश्वर ने किसे ठहराया था इस्तेमाल करने को? He used a raven, a crow. परमेश्वर ने कौओं को ठहरा के रखा। To bring the meat to his prophet. कि वे जाकर परमेश्वर के भविष्यवक्ता के लिए मांस लेकर आए। I'm telling you. कहते हैं आपसे। A raven. कौआ only steals. सिर्फ चुराता है। Hello, are you listening? आप सुन रहे हैं? But you see, God changed the heart of a raven also to minister, to give to the prophet. लेकिन आप देखते हैं कि परमेश्वर ने उस कौवे के दिल को भी बदल दिया कि वो आकर भविष्यवक्ता की सेवा टहल करे, उसको दे। Somebody shout hallelujah. बोलो चिल्लाएं hallelujah. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? God will use even animals. परमेश्वर यहाँ तक कि जानवरों का भी इस्तेमाल करेगा। To protect you. आपकी रखवाली करने को। To help you. आपकी मदद करने को। I'm very, very serious. बड़े-बड़े गंभीरता से कह रहे हैं। It is God who does that. ये परमेश्वर ही जो करता है। वो प्रकृति का इस्तेमाल करता है। He uses the wind, the rain, the snow, I don't know what else, even trees and what not, even animals to help God's people, divine helpers. वो हवा का, बारिश का और देखिए वो आंधी का इस्तेमाल करता है, जानवरों का इस्तेमाल करता है, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करता है, उसके लोगों की मदद करने को, दैवीय सहायकों में से। Pastor, now this is too much. और शायद आप कह रहे हो पासवान जी ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। I'm a believer. Of course you're a believer. मैं तो एक विश्वासी, यकीनन आप विश्वासी हैं। And the Bible speaks about believers. और बाइबल विश्वासी के बारे में बोलती है। पत्रस। You see, आप देखते हैं। He forsook the Lord when he turned away from the Lord. देखिए जब उसने प्रभु को नकार दिया था, जब वो प्रभु से फिर गया था। God did not send an angel to bring him to him. तब प्रभु ने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा उसके पास कि उसे लौटा लाए। God used a cock. आप देखते हैं कि परमेश्वर ने मुर्गे का इस्तेमाल किया पतरस को प्रचार करने के लिए। sermon, छोटा सा संदेश, effective sermon, प्रभावशाली संदेश। And Peter goes down. और फिर वहां पर पतरस पश्चाताप करता है। Powerful sermon. बहुत ही जबरदस्त प्रचार। Now the cock knew where to crow. और उस मुर्गे को पता था कि कब और कहां पर उसे कुड़कर करना है। He was orchestrating the cock, the Lord. और कौन उसके लिए कार्य कर रहा था? प्रभु। Are you listening? आप सुन रहे हैं? So God will use nature, God will use animals, the elements of nature found in nature to turn you, to help you do you what God has called you to be. आप देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रकृति का इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर ऐसे जानवरों का, प्रकृति के जो तत्व है उनका इस्तेमाल करेगा कि जिस काम को करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है उसमें वो आपको ला सके। God send a donkey, deliver Balaam. आप देखते हैं कि परमेश्वर ने गधी का इस्तेमाल किया बिलाम नामक नबी को बचाने के लिए। Otherwise, you would have been killed. नहीं तो उसे मार डाला गया होता। Donkey spoke. वहां पर हम देखते हैं कि गधे ने बोला। It's the only time in the Bible that donkey speaks with a man's voice. और यहीं पर एकमात्र जगह पर बाइबल में हम पाते हैं कि जहां पर गधे ने इंसानों की बोली में बोला। God is indeed a helper. परमेश्वर ही यकीनन हमारा सहायक है। He is faithful and able, church. और देखो विश्वास योग्य है, वो सक्षम है कलीसिया। So that the sun will not hit us, this moon will not smite us, and he will release divine helpers to help us and to bring us into what God has called us to. ताकि सूर्य और चांद जो है हमें किसी प्रकार से हानि ना पहुंचाने पाए। और देखिए परमेश्वर खुद ऐसे दैवीय सहायकों को उपलब्ध कराएगा जो हमारी मदद करेंगे उस काम में आने के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए करने को बुलाया है। You are stuck upon that project. शायद हो सकता है उस प्रोजेक्ट में आप अटके पड़े हैं। Say, Lord, send your divine helpers. आपको कहना है कि प्रभु मेरे दैवीय सहायकों को मुक्त कर। People just start coming. लोग आने लग जाएंगे। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं? Something that is stuck up in your life. कुछ तो आपकी जिंदगी में अटका पड़ा है। Divine helpers. दैवीय सहायक। Suddenly somebody will come. अचानक कोई तो आएंगे। That's your divine helper. ये है आपके दैवीय सहायक। Many times, बहुत बार divine helpers will show up right in your face. और बहुत बार क्या होता है दैवीय सहायक बिल्कुल आपके सामने आप पहुंचेंगे। You know, but you don't recognize him. लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। Because sometimes we are more concerned about the packaging rather than the product. क्योंकि क्या होता है कि हम प्रोडक्ट के बजाय हम किस पैकेज में आया उसके ज्यादा परवाह करते हैं। We are concerned more about the outer rather than what is inside. और देखिए जो अंदर है उसकी परवाह करने के बजाय जो बाहर से हमको दिख रहा है उसकी ज्यादा परवाह करते हैं। We are concerned more with the vehicle than who's in the vehicle. और देखिए गाड़ी की ज्यादा हम परवाह करते हैं इसकी परवाह नहीं करते कि गाड़ी में दरअसल बैठा कौन है। And that's why we miss the divine helpers around us. और इसी वजह से हमारे आसपास जो दैवीय सहायक होते हैं हम उनसे चूक जाते हैं।